तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी और सरकार की कोरोना के थर्ड फेज निपटने के लिए राज्य सरकार तैयारियां लगातार कर रही है। वहीं इन तैयारियों को लेकर हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पंकज गैरोला ने कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से खास बातचीत की। क्या कहा मंत्री सुबोध उनियाल ने, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी बैठे हुए हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कल के भी हमने आंकड़े देखे, उससे पहले भी आंकड़े देखे, मैदानों में कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन पहाड़ों में स्थिति जस की तस बनी हुई है, लगातार बिगड़ती भी रही जा रही है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, जब हमने 11 तारीख को कोविड कर्फ्यू इम्पोज किया था तो उस दौरान गति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और 10,000 तक की संख्या पर डे हो गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने स्पष्ट कहा था कि अगर इस आंकड़े नहीं सुधरे तो हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे, और हमने 11 तारीख को राज्य में कोविड कर्फ्यू इम्पोज किया। कोविड कर्फ्यू के शुरुआत के दिनों में भी, क्योंकि तुरंत इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन 3 दिन के बाद आंकड़ों में गिरावट दिखाई देने लगी, और अब जिस तरह 18 को दूसरा फेज हम लोगों ने राज्य में कोविड कर्फ्यू का लगाया है, अब देखेंगे 25 तक काफ़ी अंतर इसमें आएगा। और पर्वतीय क्षेत्र में भी, जो बीच में शादियों के दौर में जिस तरह से, उसका सबसे बड़ा कारण था शादियों का दौर, जो बाहर से रिश्तेदार आए, मेहमान आए, उनसे कहीं ना कहीं ये संक्रमण हुआ। इसीलिए सरकार ने शादियों में 20 लोगों की अनुमानता को के साथ साथ 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव लाना भी अनिवार्य कर दिया, ताकि बाहर से आके शादियों से संक्रमण न फैले। गाँव में लोगों में भी जागरूकता थोड़ा कम जरूर है, लोग टेस्ट कराने से भाग रहे हैं, लेकिन उनको लगातार अपील की जा रही है, समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो टेस्ट कराएं, ताकि शुरुआती समय में ही उनके संक्रमण का इलाज हो जाए और उनको बचाया जा सके। तो मंत्री जी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज भी आएगा, थर्ड फेज के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही, क्योंकि इस समय भी ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे इसमें, तो इसको लेकर पूरी क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, बच्चों के लिए सेपरेट हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को दूसरों का संक्रमण न जा सके। और जो आपने कहा द्वितीय फेज हमने लगाया, परिणाम अच्छे आएंगे तो मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से आसान कूल अगर परिणाम आएंगे तो सरकार रिलीफ देने में भी पीछे नहीं होती जी, लेकिन अगर आसान कूल परिणाम नहीं आए तो आम आदमी के जीवन की रक्षा के लिए सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। आप जाते जाते क्या संदेश देंगे हमारे चैनल जनतंत्र के द्वारा दर्शकों को? देखिए, आज ये वैश्विक एक संकट है, और कोविड की लड़ाई को केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीता जा सकता, कोविड की लड़ाई को जीतने के लिए जन सहभागिता बहुत आवश्यक है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।